सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये है फेडरलिज्म का पार्ट टू। तो पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स देखे थे, अब हम देखेंगे कि इंडिया उसे फॉलो करता है या नहीं और इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो इंडिया में 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म की जो बेसिक कंडीशन है कि एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसे हम पूरी करते हैं। सेकेंड, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है कि कौन सा एरिया और कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर आएगा। थर्ड, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है और जैसा कि हमने पढ़ा था, इंडिया में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है और कुछ स्टेट्स के पास कम। फोर्थ, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉज को चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही 2/3 की मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए और इंडिया में जितनी स्टेट्स है उसके आधे से ज़्यादा स्टेट्स को वो बिल पास करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस हो सकेंगे। और कभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो इसमें डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। तो कौन सा एरिया और कौन सा डिपार्टमेंट किस गवर्नमेंट के अंडर होगा, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट है। तो अब हम इन 4 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। तो इसमें वो सब चीज़ें आती है जो पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कंट्री की सिक्योरिटी और कंट्री की करेंसी एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें सेंट्रल कंट्रोल करती है और इनसे रिलेटेड लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। इसके एग्जांपल्स है डिफेंस, बैंक, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। और इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट मीन्स एरिया होता है। जैसे डिफेंस एक सब्जेक्ट है, बैंक एक सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स एक सब्जेक्ट है, ऐसे इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब चीज़ें होती है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है और इस लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाती है। और इस लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, कॉमर्स एक्सेट्रा। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इसे सेंटर और स्टेट दोनों ही कंट्रोल करते हैं और इससे रिलेटेड लॉज भी दोनों ही गवर्नमेंट बनाती है। जैसे आपको पता होगा कि CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हर स्टेट में उस स्टेट का एक सेपरेट बोर्ड भी होता है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, UP बोर्ड एक्सेट्रा। और इस लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा। और कभी स्टेट और सेंटर के रूल्स या फिर लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो हमेशा सेंटर के रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा। तो फोर्थ और लास्ट लिस्ट है रेजिड्यूरी लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नए नए बने हैं, जो पहले से किसी भी लिस्ट में नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सब सब्जेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी और इससे रिलेटेड लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.